इलियास जमन मलिक, आपको एक खबर से आगाह करते हैं। गुज़श्ता रोज कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने तहसील कलर कहार का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। वो भुछाल कलान में जेर तामीर क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम में होने वाले कामों का जायजा लिया। उन्हें स्टेडियम पर होने वाले कामों की ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी को बताया गया कि ये स्टेडियम जिला चकवाल का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कमिश्नर ने कामों को गैर तसल्लीबख्श करार देते हुए महकमा के अफसरान को स्टेडियम का काम जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि हुकूमत नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने डिग्री कॉलेज भुछाल कलान का भी दौरा किया और कॉलेज के मुख्तलिफ हिस्से देखे। प्रिंसिपल कॉलेज अजमत अली अवान ने उन्हें कॉलेज के मसाइल से आगाह किया, जिस पर उन्होंने प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज को फंड्स जल्द फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद कलर कहार पहुंचे और उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा किया। उन्हें वाटर सप्लाई स्कीम पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने महकमा के अफसरान को काम में तेजी लाने और वाटर सप्लाई को जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन सेंटर कलर कहार का दौरा भी किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशम, असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज इमरान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फजल शेर और सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद ने कोरोना आगाही मुहिम में भी हिस्सा लिया और कलर कहार चौक में खुद गाड़ियां रोककर मुसाफरों को मास्क तकसीम किए और कोरोना से बचाव की तदाबीर पर अमल करने को कहा। इलाका वनहार में सुबह से ही काले बादलों का राज है। इलाका वनहार में सुबह से ही हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। बारिश की वजह से पूरा इलाका शदीद सर्दी की लपेट में आ चुका है और कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा इलाका शदीद सर्दी की लपेट में आ चुका है।